क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं यह हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। आपकी ऐसी हर समस्या का समाधान है। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान के लिए हमारे यहाँ जन्म पत्री देखी और बनाई भी जाती है। भगवती माँ नर्मदा का जन्मोत्सव तो माँ नर्मदा के हर तट में धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले हमारे पूरे नर्मदा खंड में पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, विश्वनाथ जी महाराज जी थे, उन्होंने कम से कम 75 वर्ष पहले प्रारंभ किया था। उनकी 25 वर्ष पहले स्वर्ण जयंती मनाई गई थी 50 वर्ष की। तो सबसे प्रथम उन्होंने यहाँ पूजन शुरू किया नर्मदा जन्मोत्सव का। नर्मदा पुराण में उन्होंने उल्लेख ऐसा देखा कि आज माघ शुक्ल सप्तमी में माँ नर्मदा जी का जन्म प्राकट हुआ था, तब से यहाँ प्रारंभ हुआ था और मनाया जा रहा है। अब तो माँ नर्मदा तट में हर आश्रम में हर भक्त, हर श्रद्धालु अपने ढंग से उत्सव मनाता है और आनंद लेता है। और इनकी उत्पत्ति का आज का जो जन्मोत्सव है, ये इतिहास ये है कि भगवान श्री शंकर मेकल पर्वत में अंधकासुर का वध करके विराजमान थे। उसी समय जब उन्होंने नेत्र खोले, तब उनके शरीर से एक पसीने की बूंद प्रकट हुई, उसी बूंद से भक्ति नर्मदा का प्रकट हुआ। उसे सभी देवताओं ने प्रार्थना की, स्तुति किया अपने लोक में रहने के लिए, लेकिन माँ नर्मदा ने कहा कि भारतवर्ष में उसमें जल का भाव था, कोई ऐसे विशेष जल का साधन नहीं था, मैं भारतवर्ष में जाऊंगी, तो भगवान शंकर का जाइए, उन्हें तपस्या करके भगवती गंगा से भी अधिक प्रभाव मुझे चाहिए। तपस्या के उन्होंने, हमारे देश में जो महात्मा भगवती गंगा का है वो महात्म मेरा हो, तो जो महात्मा गंगा जी का है उनको वाम गंगा बोलते हैं। सभी ऋषि और मुनि सभी देवताओं में तपस्यावे तपस्या करें और उनकी सिद्धि प्राप्त हो, यह वरदान उन्होंने प्राप्त किया। इसके साथ साथ साक्षात आप मेरे तट में जल में निवास करें, इसलिए कहते हर नर्मदा कंकर शंकर समान है। यहाँ के जितने पाषाण हैं सब शिव स्वरूप हैं। तो भगवती नर्मदा यहाँ आकर के हमारे भारत उसको पावन किया, पवित्र किया, तपस्वियों की तपस्या को सिद्ध किया, साधुओं की साधना को सिद्ध किया, यहाँ सब मनोकामना पूरी होती है। जो शरीर का जो नाभि तट है वो मध्य भाग माना जाता है, तो पूरी नर्मदा जी का मध्य भाग नाभि तट है। अमरकंटक से रेव सागर का जो मध्य भाग है वो नाभि तट है, तो प्राकृतिक ही है। माने जब से नर्मदा जी का प्रादुर्भाव है तब से नाभि कुंड है, तो प्राकृतिक शिवलिंग है, वो अपने आप ही स्वयंभू है। तो भक्ति जैसे नाभि कुंड का मानते हैं कि नाभि कुंड संपूर्ण शरीर का जो एक स्नायु केंद्र रहते हैं, जो नाड़ियों केंद्र रहता है, तो नाभि कुंड ही रहता है। इसलिए नाभि कुंड में तपस्या का विशेष महत्व है। इसलिए पूज्य श्री पीताम्बरा पीठ के जो महाराज जी थे, जिन्होंने स्थापना किया दतिया में, सबसे पहले उन्होंने आकर के यहाँ पर एक गणेश क्षेत्र भी है, यहाँ गणेश जी में तपस्या किया नाभि कुंड में, तब तपस्या सिद्ध हुई उनकी। इसका हर साधक को भेजते थे नर्मदा तट में नाभि कुंड में गणेश जी के मंदिर में जप करना चाहिए। तो नाभि कुंड यहाँ तपस्या का एक बहुत बड़ा, यहाँ शनकादि ऋषि भी तपस्या किया और शनकादि उनके स्थापना किया सिद्धेश्वर भगवान की। तो यहाँ पर एक तपस्या का विशेष सिद्धि का स्थान है। और यहाँ पर जो एक चक्र है भगवान गणेश जी का, सिद्धेश्वर भगवान का, नाभि कुंड का, सूर्य भगवान का, ऋणमुक्तेश्वर भगवान का, और कई तीर्थ हैं, उनसे एक क्षेत्र बनता है कि यहाँ बहुत जल्दी तपस्या सिद्ध होती है। तो हर एक साधक यहाँ तपस्या करने का एक मनोकामना रखता है, यह नाभि कुंड का विशेष महत्व। ये तो भाई सरकार, हम तो पवित्र मानती हैं, जनता पवित्र मानती है, और अपने सब भावनाएं जितने आसपास के तीर्थवासी मानते हैं, प्रशासन ये ध्यान दे, जब हम सब लोग ऐसा जनमत बनाएंगे और सरकार को जाएगा विशेष अनुरोध सबका, तो करना चाहिए। पवित्र तीर्थ होने से क्या है कि विशेष जो अन्य चीज़ें अवांछित उच्च आ जाती हैं या प्रवेश नहीं कर पाएंगी, तो प्रशासनिक सुरक्षा भी रहेगी। जैसे तमाम यहाँ पर मेलों में कई लोग ऐसे आ जाते हैं, ये तो तीर्थ घोषित, पवित्र तीर्थ घोषित करना ही चाहिए, तो सरकार का दायित्व ही है। क्योंकि हमारे कम से कम मालवा, निमाड़, जितने कई जिले हैं, सबका प्रधान क्षेत्र है, इसलिए सरकार का तो कर्तव्य भी करना ही चाहिए, उसे तीर्थ की शोभा बढ़ जाएगी और श्रद्धालुओं की भावना को जरा अच्छा लगेगा। आपका नाम बताइए। मेरा राम सुबदास शास्त्री।